यूट्यूबर के सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो है कि व्यूज, उसका व्यूज इतना आ रहा है, मेरा व्यूज क्यों नहीं आ रहा है, वो ज़्यादा टेंशन हो जाता है व्यूज को लेकर, क्योंकि दोस्तों वीडियो में व्यूज नहीं है तो वीडियो चलेगा ही नहीं, उस पर CTR नहीं है या क्लिक थ्रू रेट जिसे हम लोग कहते हैं, समझ गए ना। क्योंकि अगर आपका वीडियो में थंबनेल ज़्यादा अच्छा नहीं है तो कौन देखेगा आपका वीडियो, कोई नहीं देखेगा, क्योंकि आपसे अच्छा अच्छा थंबनेल यूट्यूब पर मौजूद है, उसी का रिलेटेड वीडियो आप बना रहे हो। अगर आप टेक्निकल का रिलेटेड वीडियो बना रहे हो, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, तो अगर आप यूट्यूब में सर्च करोगे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं तो उसका रिलेटेड हज़ारों वीडियो आएगा, एक एक से एक एक थंबनेल है। तो आपको सोचना है कि आपको इससे अच्छा थंबनेल कैसे बनाएं, आप इसके ऊपर आपको ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको HD क्वालिटी का थंबनेल बनाना है, पिक्सल लैब से ही बनाना है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो पिक्स आर्ट का जो एप्लीकेशन है आप उसे भी डाउनलोड कर लो, ठीक है। ये दोनों एप्लीकेशन का मदद से आपको HD थंबनेल बना लेना है। आपका थंबनेल लोग देख के ही मेन चीज़ है थंबनेल और टाइटल, लोग बाद में डिस्क्रिप्शन देखता है, पहला देखता है थंबनेल उसके बाद पढ़ता है टाइटल। ये दोनों चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है आपका वीडियो का व्यूज़। अगर आपका थंबनेल अच्छा होता है टाइटल अच्छा होता है तो लोग तुरंत उसे क्लिक करके वीडियो देखता है। तो दोस्तों इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है कि आपका थंबनेल कैसे करके HD क्वालिटी बन जाए पिक्सल लैब से, ठीक है दोस्तों। मैं पिक्सल लैब से बनाता हूँ, आप भी कोशिश कीजिए पिक्सल लैब से HD क्वालिटी का थंबनेल बनाने के लिए। और उसका जो कलर मेंशन है उसको आपको ध्यान देना है कि कलर मेंशन आप किस तरीके से करें। तो ब्लैक में आपको रेड अच्छा जमता है और येलो भी अच्छा जमता है, व्हाइट भी अच्छा जमता है, ये चार कलर ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आपको कलर कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छी तरीके से आपको सीख लेना है, कौन सा कलर में कौन सा मैच हो रहा है। SEO का एक बहुत बड़ा पार्ट है दोस्तों थंबनेल, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद दूसरा जो पार्ट ये है आपका चैनल का नाम यूनिक होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका चैनल का सबसे ऊपर आएगा। अगर आपका चैनल का नाम कुछ भी रख दिया जो YouTube पर पहले से मौजूद है तो आपका चैनल कभी ऊपर रैंक नहीं करेगा और सर्च लिस्ट पर सबसे पहला नहीं आएगा। इसलिए ये ऐसा नाम ढूंढो, यूनिक होना चाहिए, बहुत ही यूनिक होना चाहिए जो YouTube पर पहले से ना हो, तभी आपका चैनल सबसे ऊपर आएगा, ठीक है ना। इस चीज़ पर भी आपको ध्यान देना है और पहले से सोच लेना है कि आपको अपना चैनल का नाम क्या रखना है। मैं टैग कहाँ से लेता हूँ और टाइटल डिस्क्रिप्शन कैसे करके मैं करता हूँ, मैं आज सारे चीज़ आप लोगों को बताऊँगा लाइव जाके, ठीक है। मैं पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए मैं दिखा दूँगा आप लोगों को, आप लोग समझ लेना और अच्छी तरीके से वीडियो को वॉच करना दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर कोई मेरा चैनल में नया है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरा चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और नीचे कमेंट ऑप्शन है, कमेंट सेक्शन में जाके एक कमेंट जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है। मैं आप लोगों का मदद के लिए वीडियो बनाता हूँ, मेरा और दूसरा कोई मकसद नहीं है। वीडियो छोटी सी होगी दोस्तों, बड़ा वीडियो नहीं होगी, प्लीज़ स्किप ना करें, पूरा वीडियो को देखना। दोस्तों मैं आ चुका हूँ मेरा मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, मैं अभी चाहूँगा मेरा मोबाइल का YouTube स्टूडियो पर, उसे खोल के मैं आप लोगों को हर चीज़ दिखाऊँगा, मैं कहाँ से टैग डिस्क्रिप्शन टाइटल कहाँ से लेता हूँ, चलिए वो सारे के सारे चीज़ दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने एक वीडियो ओपन किया है जिसका टाइटल है वॉच टाइम कैसे बढ़ाए, 4000 वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करें, 4000 आवर न्यू ट्रिक 2021। तो दोस्तों इस वीडियो में जो व्यूज़ आया है वो है 1551, कमेंट है 63, लाइक है 459। दोस्तों इसका जो आप वॉच टाइम देख सकते हो, इसका वॉच टाइम है 176, काफ़ी ज़्यादा वॉच टाइम अच्छा है। और इसका जो आप देख सकते हो इसका जो थंबनेल है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जिसका वजह से इसमें इतना ज़्यादा व्यूज़ आ चुका है। और इसका मैं एनालिटिक पर जाके आप लोगों को सारी चीज़ दिखा देता हूँ। इसका जो 48 आवर्स में इसमें 46 व्यू आ चुका है, 28 डेज में भी काफ़ी अच्छा व्यूज़ है, वॉच टाइम भी अच्छा है। आप देख सकते हो इसका ट्रैफिक शोर जो है यूट्यूब सर्च में 47% लोगों ने इसको सर्च किया है, ब्राउजर फीचर 18%, एक्सटर्नल 13%, अदर यूट्यूब फीचर 9.3%, अदर 12.1%। रीच में अगर मैं देखूँ तो इसका क्लिक थ्रू रेट है 6.8%, काफ़ी अच्छा है। और यूट्यूब सर्च में 47.6% लोगों ने इसको सर्च किया है। आप देख सकते हो टॉप यूट्यूब सर्च टर्म्स में जो आया है वॉच टाइम कैसे बढ़ाए, वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करें, 4000 वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करें, यूट्यूब वॉच टाइम कैसे बढ़ाए, 4000 वॉच टाइम कैसे पूरा करें। आप देख सकते हो दोस्तों इसको लोगों ने यूट्यूब में सर्च किया तभी मेरा वीडियो वहां पर शो किया है।
अलीफ काजी ब्लॉग से भी अच्छा खासा वॉच टाइम आया है, मिक्स अलीफ काजी से भी अच्छा खासा वॉच टाइम आ चुका है। आप देख सकते हैं ऑडियंस रिटेंशन जो है वो 80.2%, काफ़ी अच्छा ऑडियंस रिटेंशन इस वीडियो में मुझे मिला है, जिसकी वजह से मेरा वीडियो बहुत आगे तक निकल चुका है। दोस्तों अर्निंग की बात करें तो $1.45 अभी तक मुझे मिल चुका है, आगे अगर ज़्यादा व्यूज मिलेगा आएगा तो इस वीडियो में और भी ज़्यादा अच्छा अर्निंग आ जाएगा। दोस्तों मैं जाता हूँ YouTube पर, वहाँ पर लिखता हूँ वॉच टाइम कैसे, बस इतना ही लिखूँगा। वहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे जो रिजल्ट वहाँ पर शो करता है, सबसे पहला है वॉच टाइम कैसे बढ़ाए, वॉच टाइम कैसे देखे, वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करे, वॉच टाइम कैसे चेक करें, वॉच टाइम कैसे चेक करें, वॉच टाइम कैसे चेक कैसे सेट करें, वॉच टाइम कैसे बढ़ाए, ये सारे के सारे यहाँ पर टॉपिक आता है। जो सबसे पहला टॉपिक है ना वॉच टाइम कैसे बढ़ाए, ये मैं मेरा वीडियो का टाइटल में लिख लेता हूँ। उसके बाद वॉच टाइम कैसे बढ़ाए ट्रिक, ये ट्रिक जो आप देख सकते हो वहाँ पर लिखा हुआ है, मैं वो दूसरा मैंने लिखा, ठीक है। तो आप भी इसी तरीके से आप पहले सर्च कर लेना उस टॉपिक का वीडियो पहले से, अगर यूट्यूब में मौजूद है तो आप भी किस नाम से उसे लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं उसी नाम को आप पहले अपना टाइटल में रख लेना, और सेम नाम आपको डिस्क्रिप्शन में देना है, सेम आपको टैग में भी लगा लेना है। और सारे मेरा वॉच टाइम के रिलेटेड है जितने भी सारे हैं, सारे के सारे कीवर्ड है मेरा, तो मैं इसे क्या करूँगा, मेरा डिस्क्रिप्शन में भी लगाऊँगा, टैग में और टाइटल में भी मैं लगा दूँगा। आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने सारे टाइटल में मैंने वॉच टाइम वाला जितना सारे टैग हो सकता है मैंने सारे के सारे लगा चुका हूँ। वॉच टाइम कैसे बढ़ाए 4000, वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करें, वॉच टाइम एप्लीकेशन, वॉच टाइम कैसे बढ़ाए, वॉच टाइम बढ़ाने वाला 5 ट्रिक, सारे के सारे जितना हो सकता है मैंने सारे के सारे लगा चुका हूँ। बस उसके बाद आपको लगा देना है सेम टू सेम हैशटैग दे के भी आपको लगा देना है, उसके बाद सेम टू सेम आपको टैग में भी लगाना है। लगाने के बाद आप छोड़ देना वीडियो को, उसके बाद देखना वीडियो आपके रॉकेट के तरह निकलेगा आगे, बहुत तेज़ी से आपका वीडियो में व्यूज़ आएगा और वीडियो बहुत जल्दी वायरल होगा, ऑटोमेटिक व्यूज़ आएगा, आप हैरान हो जाओगे इतना ज़्यादा व्यूज़ आपको कहाँ से मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर जितना सारे कीवर्ड शो कर रहा है सारे के सारे मैंने एक एक करके मैंने कॉपी करके मैंने टैग में लगा दी, क्योंकि इसे लोग सर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा वीडियो शो कर जाएगा। इसलिए दोस्तों अगर थंबनेल अच्छा होगा तो लोग क्या करेंगे, मेरा वीडियो उठाते उठाते जब जाएंगे नीचे की तरफ, अगर मेरा वीडियो शो भी करें ना तो ज़रूर प्ले करके देखेंगे कि इस वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर है। इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ दोस्तों थंबनेल HD क्वालिटी बनाओ और टाइटल जो है वो भी अच्छी तरीके से देखो, कौन सा अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है, जो अभी वायरल टॉपिक है, अभी यूट्यूब में कौन सा चल रहा है आपको वही लिखना है। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा सारे के सारे मैंने टैग खोल दिया, सारे के सारे आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों, मैंने सारे टैग वहीं से लगाया पूरा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।